हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन द मिसंडल मेडिकेट में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में। लेसन 26, लर्न अबाउट बुसुमो फॉर कंटेंट रिसर्च, यानी कि जाने कंटेंट रिसर्च के लिए बुसुमो के बारे में आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने समझा था कि कंटेंट रिसर्च टूल्स किस प्रकार के होते हैं, इससे पहले लेसन में हमने ये भी जाना था कि कौन कौन से टूल्स कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी आते हैं। उसी में से एक टूल्स होता है कंटेंट रिसर्च का, जिसका नाम है बुसुमो। तो चलिए इसी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसी के बारे में कुछ चीजें समझेंगे। तो बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स, और आज का हमारा पूरा फोकस ही रहेगा लर्न अबाउट बुसुमो फॉर कंटेंट रिसर्च, यानी कंटेंट रिसर्च के लिए लर्न का हम जानना चाहेंगे कि बुसुमो काम कैसे करता है, होता क्या है। साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह से हम अपने कंटेंट रिसर्च बुसुमो के हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्टली हम बात करेंगे कि कंटेंट रिसर्च के बारे में कि आखिर में कंटेंट रिसर्च के लिए बुसुमो क्या है। तो बुसुमो एक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग टूल है। ये फर्स्टली ब्रोकन हुआ है कुछ फॉलोइंग चीजों से, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें अगर कंटेंट ढूंढना है सोशल मीडिया पे, शेयर चैनल्स पे शेयर करने के लिए कंटेंट चाहिए अपने खुद के डोमेन के लिए या फिर अनदर डोमेन के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे ज्यादा सोशली चीजें शेयर हो रही हैं। साथ ही साथ हम इन्फ्लुएंसर रिलेटेड टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, और कंप्लीटली हमें कुछ अलर्ट बेस्ड कीवर्ड चाहिए होते हैं, जिसे हमारे ब्रांड नेम के हिसाब से, लिंक के हिसाब से, ऑथर नेम या डोमेन के हिसाब से, तो भी हम बुसुमो की हेल्प से इजिली तरीके से कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं। हम ट्रैक कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स को, किस तरह से वो एनालिसिस कर रहे हैं, किस प्रकार का वो कंटेंट दे रहे हैं, सभी चीजें हम बुसुमो पर अपने कंटेंट रिसर्च के साथ ही सभी चीजें कर पाएंगे। तो चलिए इन सभी के बारे में समझने के लिए इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू यूज बुसुमो इफेक्टिवली, यानी कि बुसुमो को किस तरह से हम यूज कर पाए इफेक्टिवली तरीके से। तो अगर आप भी चाहते हो कि बुसुमो को कंप्लीटली सही वैल्यू के थ्रू, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हो कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं बुसुमो को, तो फर्स्टली हम यहाँ पे समझने वाले हैं फाइंड ग्रेट कंटेंट आइडियाज फॉर पोस्ट। जैसे कि अक्सर कहा जाता है, कंटेंट मार्केटर एज ए डिजिटल मार्केटर, दोनों के लिए अपने कंटेंट आइडियाज, अपने पोस्ट के लिए कंटेंट आइडियाज लाना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहाँ पे बुसुमो की हेल्प से आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कंटेंट आइडिया पोस्ट के लिए किस प्रकार का आइडियाज आप यहाँ लगा सकते हो, कंटेंट की हेल्प ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया पीस कंटेंट मिल जाता है, जो आप देख सकते हो ये ब्लैंक पीस ऑफ पेपर में होता है, ना कि ये आपके लिखा हुआ होता है। साथ ही एनोइंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग एंड टाइम को कंज्यूम करता है, और कंप्लीटली आप इस आर्टिकल्स को, इस कंटेंट को कहीं भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने सेलरों के साथ शेयर कर सकते हो, उसके साथ लिंक्स लगा सकते हो, और कंप्लीटली अपने कंटेंट की रैंकिंग लाने के लिए कंटेंट को हर एक जगह वायरल कर सकते हो। जैसे कि कई बार हम अपने गूगल पर ट्रैफिक लाने के लिए इस प्रकार के कंटेंट की हेल्प लेते हैं, तो हमें भी अपने पोस्ट के हिसाब से अपने कंटेंट आइडियाज ढूंढने होंगे, और सही वे में बुसुमो की हेल्प लेके हम साथ ही साथ एक गारंटेड सक्सेस ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी अपनिंग जो होती है हमारे बुसुमो के लिए, वो एक कम्प्लीटली रिड्यूस कर देती है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बुसुमो की और हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी होगी, स्टेप वन, कि हम किस तरह से, अगर हमें सही कॉन्टेंट चाहिए अपने पोस्ट के लिए, अपने आइडियाज के लिए, तो हमें यहाँ पे एक रिलीवेंट कीवर्ड का यूज करना होगा, जो गूगल कीवर्ड प्लानर में हमने ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें देखना है कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं रैंक के लिए, और कम्प्लीटली ये भी देखना है हमें कि स्टेप थर्ड में कि सबसे ज्यादा कंटेंट आज के टाइम पे किस प्रकार का ट्रेंडिंग हो रहा है, शेयर हो रहा है, उसे आप हिसाब के कंटेंट आपको लेके आना है। और फोर्थ स्टेप ये होती है, राइट एंड प्रमोट दी कंटेंट, जो आप कंटेंट लिखते हैं उसको प्रमोट भी करिए। ये सभी स्टेप करने के बाद ही अपने कंटेंट पोस्ट के आइडियाज को सही तरीके से एक बढ़िया लेवल तक आप पहुंचा सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड इंटरेस्टिंग कंटेंट टू शेयर विथ योर फॉलोअर्स। आप चाहे तो इंटरेस्टिंग कंटेंट को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं देखता हूँ कि अक्सर कई बार बहुत से लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को पॉपुलर बनाने के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत बढ़िया वे है जिसके थ्रू ज्यादा यूजर्स तक, ज्यादा फॉलोअर्स तक अपने कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से बुसुमो भी एक टॉपिक से रिलेटेड, हमारे बिजनेस रिलेटेड टॉपिक हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है, और उसको भी हम अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। तो आप भी अपने कंटेंट से रिलेटेड अलग टॉपिक्स को अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर या अदर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोअर्स के साथ में इंटरेस्टिंग कंटेंट को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स मिल जाते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनकी हेल्प से आप इजीली तरीके से शेयरेबल अपने कंटेंट, अपने आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो। चलिए थर्ड स्टेप है, वर्ल्ड लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर टू रीच आउट टू। आपको इस तरीके की लिस्ट देखनी होगी कि इन्फ्लुएंसर किस प्रकार के हैं, जो आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आपके कंटेंट को बढ़िया तरीके से बनाने के लिए सबसे बड़ी
नीड होती है उसे प्रमोट करना, और ये सोशल मीडिया पे एक सबसे बढ़िया वे होता है प्रमोट कंटेंट करने का, वो भी सही लोगों के साथ में। तो आपको इन्फ्लुएंसर की हेल्प होती है, कंटेंट जो किस प्रकार से आप क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से बूस्ट शो भी आपकी हेल्प करता है। कुछ इन्फ्लुएंसर पीपल्स आपको देता है जो ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं आपकी कॉन्टेंट, अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के सिमिलर कॉन्टेंट को आप अपने कॉन्टेंट के साथ लोगों के बारे में बता सकते हो, और इजिली तरीके से सोशल मीडिया भी एक बढ़िया वे है जिसके साथ ही बहुत से लोगों के बीच में अपने फॉलोअर्स के बीच में अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, और हमारी गैंग के कीवर्ड की जो रैंकिंग होने लगती है वो बड़ी तरीके से टारगेटिंग करती है। इसी तरीके से हम अपनी हाई प्रोफाइल रिलेवेंट साइट को बिल्डअप कर पाएंगे। तो आपको भी देखना है किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर की लिस्ट आपको मिल सकती है, किस तरह से आप यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को प्रमोट कर सकते हो। चलिए 4 पॉइंट है, फाइंड गुड राइटर्स फॉर योर कॉन्टेंट। आपके कॉन्टेंट के लिए आपको एक सही राइटर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको भी देखना है कि राइटिंग जो है ना कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूम कर जाती है, साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा लोगों की हेल्प भी करती है। तो आपको भी इसी तरीके कंटेंट ढूंढना है, नीचे ढूंढनी कि कितने लोग आपकी कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, और कितने लोग किस तरह से आपके कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है आपके बूस्ट शो में जिसमें आपने लिस्ट करा है, और ये इजीली तरीके से आप ऑथर से लेकर हर एक के बीच में अपने कंटेंट को अपनी साइट के बीच में पहुंचा सकते हैं। बूस्ट शो क्रिएट करता है सर्च स्पेसिफिक तरीके से फाइंडिंग करता है ग्रेट ऑथर्स को। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारे कॉन्टेंट के लिए कौन सा राइटर सही रहेगा, इसके हम हेल्प ले सकते हैं। चलिए 5th पॉइंट है, रिसर्च योर कॉम्पिटिटर्स कॉन्टेंट। अक्सर आपसे कहा जाता है कि आप ये कॉम्पिटिटर्स के कॉन्टेंट को भी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि बूस्ट शो में इस तरह की चीजें सॉल्व आप नहीं करता है, बट कुछ टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं, परफॉर्मिंग अपने कॉन्टेंट की बढ़ाना चाहते हैं या डोमेन की बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटर डोमेन्स को भी देखना होगा, क्योंकि समझना होगा कि कॉम्पिटिटर डोमेन किस प्रकार की चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका बेस्ट और ब्रोस्ट परफॉर्म कॉन्टेंट यहाँ पर चल रहा है, किस तरह से उनकी वेबसाइट लिंकिंग और बेस्ट परफॉर्मिंग कॉन्टेंट काम कर रही है, ऑथर ऑफ कॉन्टेंट कौन सा है, उनका चैनल अपग्रेड किस प्रकार सबसे ज्यादा वो चैनल के थ्रू सबसे ज्यादा अपने कॉन्टेंट को शेयरेबल बना रहे हैं। इसी तरीके की अमेजिंग रिसर्च के साथ आप अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान सकते हो। तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए 6th पॉइंट है, क्रिएट अलर्ट्स फॉर ट्रेंडिंग आर्टिकल्स। आप किस तरह से अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो अपने ट्रेंडिंग आर्टिकल्स के लिए, यहाँ पे सबसे बढ़िया प्रो फीचर्स हमें बूस्ट शो प्रोवाइड करवाता है हमारे कंटेंट अलर्ट्स के लिए, और ये कंटेंट अलर्ट्स हमारे ब्रांड नेम से लेके हमारे नेम के साथ साथ हर एक कंटेंट अलर्ट्स के साथ हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमें बताता है। पर ये हमें एक प्रो में मिलता है, तो हम चाहें तो फ्रीली हम इसको यूज कर सकते हैं बूस्ट शो को, बट प्रो में हम जो चीजें करेंगे उसके हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं, जैसे कि हम अपने कंटेंट के लिए ट्रेंडिंग आर्टिकल्स अलर्ट देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रेंडिंग के टाइम पे चल रही है, उस हिसाब से रिलेटेड हमें कंटेंट मिल जाता है या उसके बारे में ज्यादा आइडिया सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह की कंटेंट हम अलर्ट्स के थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे, और एक कॉम्प्रेसिव वे में हम यहाँ पे सब बहुत सी चीजें और लिंक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये न्यू फीचर्स अलर्ट का ऑप्शन भी हमें बूस्ट शो प्रो में मिल जाता है। तो चलिए अब आ गया टाइम प्रैक्टिकली समझने का कि आखिर बूस्ट शो में किस तरह से डैशबोर्ड उसका काम करता है और क्या क्या चीजें उसमें होती है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए हैं गूगल पे और आज हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं बूस्ट शो कंटेंट रिसर्च, ऐसे हमारे कंटेंट रिसर्च के लिए कि किस तरह से हम टूल्स की हेल्प लेंगे। और जैसे हम यहाँ पे टैप करेंगे तो आप देख पाओगे कि आपके सामने यहाँ पे न्यू स्क्रीन ओपन हो जाती है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से बूस्ट शो यहाँ पे कम्प्लीटली काम करता है। तो जैसे कि हम नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देख पाएंगे एक्सप्लोर बूस्ट शो कंटेंट रिसर्च। तो चलिए इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बूस्ट शो का डैशबोर्ड और हमारे कंटेंट के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बूस्ट शो पूरी तरीके से अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ जैसे हम फीचर्स में देखें तो हमें कंटेंट डिस्कवर करना या कंटेंट रिसर्च करना, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हमारे कंटेंट मार्केटिंग के लिए हम कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, तो इस कंटेंट रिसर्च में जा सकते हैं, साथ साथ फाइंड इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो इन्फ्लुएंसर की भी हेल्प ले सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हैं, कॉमी एक्सटेंशन हमें यहाँ पे मिल जाता है, एपीआई मिल जाता है जो ऑटोमेशन करता है बहुत सी चीजों को, तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पे मिलने लगती है। इसी तरीके से यूज केसेस की हम बात करें तो हम कंप्यूटर इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजी की हेल्प ले सकते हैं, क्राइसिस अलर्टिंग कर सकते हैं, डिजिटल पीआर समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, और भी हमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरीके से बूस्ट शो के बारे में और थोड़ा रिसर्च करते हैं एक्सप्लोर करते हैं, तो रिसोर्सेज से बताए गए ब्लॉग के लिए आइडियाज आपको मिल जाते हैं, रिसर्च, वेबिनार्स, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, ये खुद के बूस्ट शो के अपने रिसोर्सेज हैं। इसी तरीके से प्राइसिंग की हम बात करें तो अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से अपने कॉन्टेंट होते हैं बूस्ट शो के, और वो हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस
भी समझेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बूस्ट सुमो के बारे में कि किस तरह से हम अपने कंटेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्पायर हो सकता है आपको लोग इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा गया है स्टार्ट योर 30 डेज फ्री ट्रायल। आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं 30 डेज फ्री ट्रायल में, और आप यहाँ पे बहुत सी चीज समझ पाएंगे कि व्हाट इज गुड सुमो, जो कैन डू फॉर यू, आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो डिस्कवरी से लेकर रिसर्च, मॉनिटरिंग करना, क्रोम एक्सटेंशन, इन्फ्लुएंसर एपीआई, हर एक चीज की सपोर्ट हमें यहाँ पे करता है, सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग प्राइस एंड क्रिएटिविटी पे रहती है, जैसे बेसिक, स्वीट, कॉन्टेंट क्रिएशन, पीआर, कॉम्स, इंटरप्राइजेस, हर एक के बारे में डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पे दिया होता है। तो चलिए यहाँ पे कम्प्लीटली चलते हैं। सबसे पहले हमें लॉग इन करना होगा, हमारी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, तो हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे। देन इसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से आखिर में बूस्ट सुमो काम करता है। अगर आपकी आईडी नहीं बनी तो आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ तो अपनी आईडी को, तो इसी तरीके से मैं समझ पाऊंगा। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आपका बूस्ट सुमो में अगर आईडी लॉगिन नहीं हो रही है या फिर आपने आईडी नहीं बनाई है, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा 3 डेज ट्रायल का। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेलिंग फिल करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी डिटेलिंग फिल कर देता हूँ, देन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बूस्ट सुमो काम करता है। तो जैसे कि मैंने साइन इन करने के लिए अपनी आईडी बना ली और अपना नेम लिख दिया, यहाँ पे मेरा एड्रेस लिख दिया, देन इसके बाद अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको यहाँ पे देखना भी पासवर्ड चेक में कि आपका जो पासवर्ड लगा हुआ है मिनिमम कितने वर्ड का है, कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स का है। साथ ही साथ आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का यूज करना और मैक्सिमम आप 48 कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो। एटलीस्ट इसमें 1 अपर केस लेटर्स होना चाहिए, देन इसी तरीके से एटलीस्ट इसमें 1 लोअर केस भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर्स और साथ ही साथ कुछ एक सिम्बल्स का आपको यूज करना है। देन ये सभी प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पे साइन इन भी करना होगा हमारे प्लेटफॉर्म टिप्स के हिसाब से, और यहाँ पे हमें एग्री करना होगा बस समूह में और टर्म एंड सर्विसेज के साथ में। अब जैसे ये सभी चीजें हम फुलफिल कर लेंगे, स्टार्ट में ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, आई हैव ऑलरेडी अकाउंट करके देने के साथ आप लॉग इन करिए, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाली दें, इसके बाद आप बस समूह पे अपनी पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से बस समूह काम करता है, किस प्रकार से अपने कॉन्टेंट रिसर्च के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट रहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने हाथ में होता है, तो चलिए मैं इसके, तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई यू आर अ रियल पर्सन प्लीज कॉन्टेक्ट योर फेसबुक अकाउंट। अब अगर रियल पर्सन हो तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ अपने एफबी अकाउंट से, और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बूस्ट सुमो हमारे लिए काम करेगा। दिन इसके बाद इस तरह से आएगा और कुछ ही टाइम के बाद हमारा फेसबुक से हमारा अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी कंपनी के बारे में बताना होगा कि हमारा ब्रांड किस तरह का है, किस तरह की चीजें हमें यहाँ पे अपने चूज करना है। चलिए इसे डेमो में यहाँ पे हर एक चीज आपको बता देता हूँ। हमने इसे कंपनी का नेम लिख दिया TMDA, कंपनी वेबसाइट चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो आपके पास वेबसाइट नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद कंपनी साइज की अगर हम बात करें तो ऐसे में यहाँ पे कंपनी साइज लिख देता हूँ 2 to 10 employees, और इसके बाद हर एक चीज में आपको डेमो बता रहा हूँ, अपने हिसाब से हर एक चीज के बारे में सोच सकते हैं। आर यू एन एजेंसी, यस तो हमने एजेंसी कर दी। देन इसके बाद कुछ स्टेप हमें और फुलफिल करनी होगी, क्योंकि 1 स्टेप से लेकर 2 to 3 स्टेप हमें फुलफिल करनी है। व्हाट आर योर मेन गोल विथ बूस्ट सुमो, बूस्ट सुमो के साथ आपका मेन गोल क्या है, कंटेंट रिसर्च स्ट्रेटजी एंड आइडिएशन के लिए हम कर रहे हैं, या फिर मॉनिटर करना चाहते हैं मीडिया मेंशन या ब्रांड को कवरेज करने के लिए, या हम फाइंड करना चाहते हैं जनरलाइज या इन्फ्लुएंसर्स को, या फिर हम चाहते हैं कि कंटेंट को मेजरमेंट और परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देख सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि किस तरह से हम कंटेंट रिसर्च में बूस्ट सुमो टूल्स की हेल्प ले सके, और हमें कंटेंट रिसर्च करना चाहते हैं कि हमें एक सही ट्रेंडिंग कंटेंट यहां पे मिल जाए, तो बूस्ट सुमो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंटेंट रिसर्च टूल है। तो हमने इस बूस्ट सुमो को यहां पे हेल्पफुल ले लिया, और देन इसके बाद यहां पे पूछा गया हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रोल, अपना रोल किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, आप हो कंटेंट मार्केटर या पब्लिशर, सोशल मीडिया हो, या फिर आप पब्लिक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसमें यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग कर देता हूँ। अब इसमें पूछा गया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दोनों ही ऑप्शन फुलफिल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मेन जो ऑप्शन स्टार लगा हुआ है, ये आपको फुलफिल तरीके से इसके बारे में आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला गया हाउ डिड यू हैव आवर हियर अबाउट अस, आपने हमारे तरह हमारा नाम किस प्रकार से सुना, आपने वेबसाइट से, कंपटीशन, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, या किस तरह से। तो चलिए मैं इसको भी ऑप्शनल के छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे लास्टली बोला गया है कि टॉपिक कीवर्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, ऐसा कौन सा टॉपिक पे जिसका कीवर्ड्स आप होते यहाँ पे इंटरेस्टेड हो। तो चलिए ऐसे डिजिटल मार्केटर में यहाँ पे हर एक बात कहना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, और देखता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मुझे कंप्लीटली कॉन्टेंट रिसर्च के हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए मैंने जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है,
अब देखता हूं मैं किस तरह से यहाँ पे हर एक चीज शो हो रही है। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बूस्ट सर्वर जो पूरा फ्री ट्रायल हमें दे रहा है, और ये 30 डे का फ्री ट्रायल है, तो आपको इस चीजों को समझना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि बूस्ट सर्वर हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डाला, तो आपको गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स वाले दिख जाएगा कितने लोगों ने यहाँ पे 1.56 के व्यूअर्स यहाँ पे आपको दिख रहे। तो चलिए जैसे मैं इसे टॉपिक को ओपन करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे हर एक चीज डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न नजर आएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा कंटेंट का यूज कर रहे हैं, गूगल के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये हर एक चीज आपके बारे में समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें टॉपिक्स दिखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल कंटेंट जो वेब पर आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आ रहा है, साथ से स्पेसिफिक ऑनलाइन की चीजें आ रही है। तो ये हर एक चीज रियल क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कर रही है। अब यहाँ पे पूछा गया है फाइंड रियल क्वेश्चन टू रिस्पॉन्ड, ऐसे क्वेश्चन जो आपको रियल में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वेरा से रिलेटेड हर एक क्वेश्चनिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। आपको पता ही कि क्वेरा आज के टाइम पे सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग टूल है जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले लेसन में बात भी करी थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको कंटेंट एनालाइजर मिल जाएगा, फेसबुक पेज एनालाइजर मिल जाएगा, यूट्यूब एनालाइजर और बैकलिंक एनालाइजर भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में आप जनरेट कर सकते हो अपने कंटेंट के बारे में, यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हो। डिस्कवर में क्या क्या चीजें, तो आप यहाँ पे आइडिया कंटेंट आइडिया जनरेटर टूल्स के हेल्प ले सकते हो, साथ ही साथ ट्रेंडिंग फीड से यहाँ जान सकते हो, टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जितना ज्यादा बुध समूह की हेल्प लोगे उतना ही बढ़िया आपका कंटेंट अच्छी तरीके से काम करेगा। कीवर्ड टूल्स आप यहाँ समझ सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। अब चलिए आउटरीच में जाके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। तो हमें मीडिया डेटाबेस मिल जाता है, मीडिया लिस्टेड हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम कंटेंट की बात करें तो हम यहाँ कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके हमने बताया। इन्फ्लुएंसर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, ट्विटर के इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, फेसबुक पेजेस के, टिकटॉक या यूट्यूब के भी इन्फ्लुएंसर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। हम इसी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं हमारे आइडियाज को, साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमारे ब्रांड कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स ऑथर्स को कॉन्टेंट कीवर्ड्स सभी चीज हमें मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट अपना खुद का यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, हम उसका नेम लिख देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ और ये मैं अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट इसको रखता हूँ। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप देखोगे कि हमारा खुद का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लिया, और डिफरेंट डिफरेंट वे में हम अपने आर्टिकल्स यहाँ पे यूआरएल्स और आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्कवर पे जाता हूँ, कंटेंट आइडिया जनरेटर में जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपने कंटेंट के लिए आइडियाज जनरेट करने हैं। यहाँ पे 8 बिलियन पीस ऑफ कंटेंट यहाँ पे आइडियाज दिए गए इनबॉक्स में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे कंटेंट को हमारे लिए हमारे आर्टिकल्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ कीवर्ड को, तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि अभी हमने करा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो अब यहाँ पे हमने जैसे ही करेंगे तो कुछ प्रिपेयरिंग होगा, देन इसके बाद हमें यहाँ पे हर एक कीवर्ड्स यहाँ पे दिखने लगेंगे कि वेब मार्केटिंग, डिजिटल स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसी तरीके की हर एक कीवर्ड्स यहाँ पे हमें दिखने लगेंगे और उससे रिलेटेड आप टॉपिक भी देख पाओगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं, इसके बाद आप देख पाओगे कि किस तरह का कीवर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कीवर्ड्स आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अगर हमें अपने आइडिया ब्लॉग आइडिया के लिए चाहिए, आर्टिकल्स के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने जाना है कीवर्ड्स आइडिया जनरेटर, कंटेंट आइडिया जनरेटर, ट्रेंडिंग फीड, हम अगर जानते हैं कि किस प्रकार से ट्रेंडिंग फीड चल रहा है, तो ये भी हर एक चीज को हम सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड टूल्स की हम हेल्प ले सकते हैं, कौन सा कीवर्ड्स हमें यहाँ पे चाहिए अपने डोमेन के हिसाब से, और ये हमें कीवर्ड टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार कीवर्ड टूल्स में हम जाते हैं, उसमें भी हम डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं। कीवर्ड और डोमेन में हमें इस तरीके का कीवर्ड टूल तो मिल ही गया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि और भी क्या क्या चीज हमें प्रोवाइड करवाता है। तो आप देखोगे नीचे एनालिसिस करोगे तो आपको हर एक चीज वॉल्यूम दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा जो हम आपको वो जो बुध सोमा प्रोवाइड करवा रहा है उसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 110K यहाँ पे मिल रहा है, 8.78 पोस्ट पर क्लिक यहाँ पे आई है, आर्टिकल्स लोगों ने पब्लिश करा 2.9K। इसी तरीके से आप इससे सिमिलर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कंटेंट कितना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है, ट्रेंड हुआ है, इस तरह के कीवर्ड्स आप ले सकते हो अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। ऐसे आप अलग अलग अपने अपने डिफरेंट वे में टॉपिक्स यहाँ पे ला सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें व्यूज सिमिलर्स, अगर हम बात करें कीवर्ड्स के सिमिलर कीवर्ड्स किस प्रकार के हैं, तो आपको इससे रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, डेटास को समझ सकते हो कि किस प्रकार का आप सर्च वॉल्यूम के हेल्प से ज्यादा यूजर्स और ज्यादा कंटेंट आइडियाज के क्वेश्चन रिलेटेड हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हम कंटेंट आइडियाज की बात करें, हमें ज्यादा कंटेंट देखना है तो हम सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि अलग अलग वेबसाइट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कौन सी वेबसाइट इस तरह के आर्टिकल्स को लिख रही है और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है, तो यहाँ पे टोटल एंगेजमेंट भी हमें बता देता है और लिंकिंग डोमेन्स भी बता देता है कि कितना लिंकिंग डोमेन हुआ 6 हुआ है और टोटल एंगेजमेंट कितने आई 412 है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे चाहें तो अगर हमें अपने आर्टिकल्स के लिए क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे इस तरफ से हमें क्वेश्चनिंग मिल जाएंगे। अगर हमें उससे रिलेटेड आइडियाज चाहिए तो हम यहाँ पे मोर कंटेंट आइडियाज करेंगे और यहाँ पे एक नया हम बोल सकते हैं कि टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें बूस्ट सर्वर बताएगा कि किस तरह से आप अपने कंटेंट अपने आर्टिकल्स के लिए कंटेंट एनालाइजर की हेल्प ले सकते हो।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वांट एनालाइजर चलाया था और यहाँ पे अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम क्वांट एनालाइजर की हेल्प ले पाएंगे। तो सबसे मोस्ट और पावरफुल टूल्स आज के टाइम पे ब्लॉग पोस्ट के लिए, आपके आर्टिकल्स के लिए एनालिसिस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो ये कंटेंट के आर्टिकल्स, या हम बोल सकते हैं कि आइडियाज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अपना टॉपिक डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग का। अब इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं। आप डिजिटल स्ट्रेटेजी डाल सकते हो, वेबसाइट मार्केटिंग या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग भी आप डाल सकते हो। देन इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाओगे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे जो फिल्टर योर रिजल्ट लिखे हुए हैं। अब फिल्टर के रिजल्ट लिखे हुए हैं, जैसे पास्ट ईयर में कितना रहा, ऑल कंट्रीज में कितना रहा, लैंग्वेज फिल्टर, जनरलाइज्ड, बी2बी पब्लिशर और मोर फिल्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। तो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कॉमर्स का कंटेंट हमें मिला है जो फेसबुक पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आया, लाइक्स मिले हैं 132.8K। इसी तरीके से ट्विटर शेयर यहाँ पे कितना मिला, पिंटरेस्ट कितना शेयर रहा, रेडिट एंगेजमेंट कितना रहा, नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे कितने रही और एवरग्रीन स्कोर 18 रहा। तो इस तरीके की एंगेजमेंट हर एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं और हर एक के बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट वे में एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो चलिए, जैसे हमने एक कंटेंट एनालिसिस के लिए टॉपिक्स यहाँ पे चूज कर रहा है, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें अपने कंटेंट एनालिसिस करने के लिए हम टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। ब्लॉग्स हम और भी हमें बहुत सारी चीजें देता है, जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल्स लगातार फर्स्ट ईयर का यहाँ पे हम बात करते हैं, 24 आवर्स की हम बात कर लेते हैं। 24 आवर्स में कितना कंटेंट रहा है तो आपके सामने शो हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रहा है टॉपिक गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ये सबसे ज्यादा शेयरेबल भी हुआ, पब्लिशर भी हुआ, कितने लोगों ने, कितने रिएक्शन आए, साथ साथ कितने लाइक शेयर बढ़े, कमेंट्स कितने आए, ये हर एक चीज आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। गूगल ट्विटर के शेयर से लेके पिंटरेस्ट हर एक टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एवरग्रीन स्कोर देखा जाए तो 18 यहाँ पे दिया है। इसी तरीके से और भी हमें यहाँ पे टॉप शेयर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कंटेंट एनालिटिकल एनालाइजर की, किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे कंटेंट को और साथ ही हर एक तरीके से हम सर्च वैल्यूज भी जान सकते हैं। तो चलिए हम वापस बैक चलते हैं और समझते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि हमने पास्ट ईयर में यहाँ पे लगा रखा है, हम चाहते हैं लास्ट पास्ट टू ईयर्स में किस प्रकार से रहा, या फिर लास्ट पास्ट थ्री ईयर्स में किस प्रकार से हमारा कॉन्टेंट का आइडिया रहा। तो लास्ट पास्ट मंथ की बात करें तो कौन सा कॉन्टेंट अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो अभी जैसे कि गूगल डिजिटल मार्केटिंग का ही चल रहा है। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लॉट ऑफ ट्रेंडिंग आइडियाज अपने ब्लॉग अपने आर्टिकल्स के लिए हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात तो कर ली अपने रिजल्ट के लिए, अब यहाँ पे ऑल कंट्रीज रिलेटेड यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इंडिया इंडिया का ही देखना है तो हमें यहाँ पे इंडिया लगाना होगा। देन इसके बाद हम देख पाएंगे कि इंडिया में कितना अप्लाई हो रहा है, तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। और पास्ट ईयर्स का ही देखना है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे डाला है और सबसे ज्यादा शेयरेबल कॉन्टेंट यही हो रहा है गूगल डिजिटल ई कॉमर्स का। इसी तरीके से हमें बहुत सी चीजें यहाँ पे देखने और समझने को मिल जाती है। तो इसमें यही कहा गया है कि आप जितना बुजुर्गों की हेल्प से जितना एक्सप्लोर कर पाओ अपने कंटेंट आइडियाज को, उतना बेटर आपका आर्टिकल्स बनता है, उतनी ज्यादा शेयरेबल लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स दिख जाएंगे, गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के बारे में कितना शेयरेबल हुआ है, कितना एंगेजमेंट आया, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे देखने को चीजें मिल जाती है। और ये बहुत बढ़िया टूल्स हमें यहाँ पे मिलता है। अब इसी तरीके से आप लैंग्वेज फिल्टर्स का यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ लगा सकते हो, जर्नलिस्ट का यूज कर सकते हो और बी2 पब्लिशर से लेकर हर एक फिल्टर्स का आप यहाँ पे जितना चाहे उतना एक्सप्लोर करके नए नए टॉपिक्स और नए नए ट्रेंडिंग के हिसाब से चीजों को ला सकते हो। अभी जैसे कि हमने बात करी कंटेंट एनालाइजर की, अब जैसे आपको फेसबुक के पेज एनालाइजर करना है तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। अपने फेसबुक पेज को आपको इससे कनेक्ट होना होगा और आप बढ़िया वे में उसको यहाँ पे समझ सकते हो, अपने एनालाइजर यहाँ पे निकाल सकते हो। यूट्यूब एनालाइजर यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड डालना होंगे और सिलेक्टेड आप एनालाइजर निकाल सकते हो, बैकलिंक एनालाइजर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल्स हम बोल सकते हैं बुजुर्गों में यहाँ पे हमें एक बढ़िया सर्विसेज हमें देता है। आई होप कि आपको कम्प्लीटली बुजुर्गों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीज समझ में आई होगी और साथ साथ आपने ये भी समझा होगा कि बुजुर्गों होता क्या, किस तरह की टूल्स हमें यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को यहाँ पे कंटेंट को रिसर्च करने में हमारे लिए बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से काम करता है। आई होप कि आपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए, अपने कंटेंट के लिए आप इसका जरूर यूज करके देखोगे। बी सी द बेस्ट, थैंक यू सो मच।